दोस्तों मैं विमल सैनी वंश मीडिया तलाश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसआई जॉइंट एपीएसजी लीव के बारे में। तो दोस्तों एसआई जॉइंट एपीएसजी लीव क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहता है तो आप तुरंत आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो SI joint epiaxial view, तो दोस्तों यहाँ पर SI का मतलब क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर SI का मतलब होता है sacroiliac joint, मतलब दोस्तों जो आपकी sacrum और जो ilium bone होती है ना वो आपस में जुड़ता है, जिस जॉइंट का निर्माण करती है उस जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों sacroiliac joint बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों sacroiliac joint बोला जाता है। तो कई बार क्या होते हैं दोस्तों SI joint के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है या डिसलोकेशन हो जाता है या तो टीबी हो जाती है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों SI joint का ऐसे करवाया जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों इंडिकेशन के बारे में बताना है, उसके बाद आप तो पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बताना है, उसके बाद पेशेंट पोजीशन के बारे में बताना है, उसके बाद आप तो ट्यूब सेंटर के बारे में बताना है, इसके बाद में दोस्तों आप तो ग्रिड यूज में लेते हो नहीं लेते हो उसके बारे में बताना है, कैसेट साइज कितनी यूज में लेते हो वो बताना है, ट्यूब में एंगल देते हो या नहीं देते हो, ट्यूब एंगल के बारे में बताना है, एस्पोजर फैक्टर के बारे में बताना है। दोस्तों इस हिसाब से आप क्या करना है दोस्तों एग्जाम में लिख के आना है। तो सबसे पहले अपन इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका इंडिकेशन क्या दे रहता है दोस्तों, तो सबसे पहले इंडिकेशन है एनी फ्रैक्चर डिसलोकेशन एसआई जॉइंट, एसआई जॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्चर है डिसलोकेशन है उसको देने के लिए अपन क्या करवाते हैं दोस्तों एसआई जॉइंट का एसआई करवाया जाता है। इसके दूसरा इंडिकेशन है दोस्तों इन्फ्लामेशन, जिसे अपन क्या बोल लेते हो सेथ्रोलिथियासिस, यानी एसआई जॉइंट में तो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं सेथ्रोलिथियासिस बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ सैक्रम में एसआई जॉइंट में हो जाता है उसे बोला जाता है। इसके बाद में क्या है दोस्तों, यदि आपकी एसआई जॉइंट में कोई टीबी हो रही है तो डिजीज हो रही है उसको देने के लिए अपन क्या करवाते हैं दोस्तों एसआई जॉइंट का एक्सरे करवाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन में क्या है दोस्तों कि जो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे बेल्ट है, यदि पुरुष के बारे में बात करें और महिला के बारे में बात करें तो कमर के अंदर जो भी मेटलिक चीजें पहन रखी है वो उन सभी तो अपने क्या करना है दोस्तों रिमूव करवाना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है अपना पेशेंट पोजीशन, पेशेंट पोजीशन में क्या रहते हैं दोस्तों सर्वप्रथम पेशेंट तो ऐसे टेबल के सेंट्रल लाइन पर क्या होते हैं दोस्तों सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं पेशेंट दोनों हाथों तो सिर के नीचे रखवा देते हैं, एंड दोस्तों यदि किसी पेशेंट की स्पाइन के अंदर एक कर्व है तो अपन क्या करते हैं जो नी जॉइंट है वो नी है उसको अपन क्या करते हैं दोस्तों फ्लेश करवा दिया जाता है। और इसके बाद कैसे तो बक्की में क्रॉस वाइज इस प्रकार से लगाते हैं कि जो कैसे था जो लोअर बॉर्डर है ना वो पीपी सिंपाई से 4 इंच नीचे रहे और जो कैसे था अपर बॉर्डर है ना वो क्या रहे एरी क्रिस्ट के लेवल में रहे। तो दोस्तों अपने यहाँ से भी दे सकते हैं सर्वप्रथम पेशेंट तो ऐसे टेबल के सेंट्रल लाइन पर सुपाइन पोजिशन पर लिटाया जाता है तथा पेशेंट जो दोनों हाथों तो हेड के नीचे रतवा देते हैं, यदि पेशेंट की स्पाइन में कोई कर्व हो तो नी को फ्लेश कर देना चाहिए। इसके बाद कैसे तो बक्की में क्रॉस वाइज मतलब आडी रखी जाती है दोस्तों लेंथ वाइज नहीं लेते इसमें अपन क्रॉस वाइज लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं कि कैसे जो लोअर बॉर्डर है वो प्यूबिक सिंपाई से 4 इंच नीचे रहे तथा अपर बॉर्डर है वो इलिक क्रिस्ट के लेवल में रहे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना ट्यूब सेंटर, दोस्तों जो ट्यूब का सेंटर है वो प्यूबिक सिंपाई से 2 इंच ऊपर देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों प्यूबिक सिंपाई से 2 इंच ऊपर सेंटर दिया जाता है। इसके बाद में क्या है दोस्तों एक मिनट में ये ले लेता हूँ तो इसमें मिटा देता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों डिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं, पांचों पॉइंट अपना। तो दोस्तों इसमें अपन डिस्टेंस यूज में लेते हैं 100 सेंटीमीटर, एक्सपोजर फैक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अपन केवी यूज में लेते हैं 70 से 80 और जो एमएस है ना वो भी अपन यूज में लेते हैं 80 से 90 यूज में ले लेते हैं। एंड दोस्तों इसमें अपन क्या करते हैं ट्यूब एंजर के बारे में बात करें तो ट्यूब में दोस्तों अपन 30 डिग्री सिफेलिक एंगल दिया जाता है, इतना देते हैं दोस्तों 30 डिग्री से परिजन दिया जाता है, इससे पहले का मतलब होता है दोस्तों टूवर्ड द हेड, हेड की ओर दिया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैसेट साइज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें अपन यूज में लेते हैं 14x17
16-17 इंच की अपन क्या करें दोस्तों कैसेटी यूज में लेते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना ग्रिड, तो दोस्तों इसमें अपन ग्रिड यूज करते हैं, यहाँ पर लिख देना है आप तो यस यूज। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या देना है आप तो एग्जाम में लिख के आना है, सबसे पहले इंडिकेशन बताना है, उसके बाद पेशेंट पोजीशन के बारे में बताना है, एंड फिर पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बताना है, उसके बाद ट्यूब सेंटर के बारे में बताना है, उसके बाद डिस्टेंस के बारे में बताना है, फिर आप तो एस्पेशल फैक्टर के बारे में बताना है, ट्यूब एंगल के बारे में बताना है, कैसे साइज के बारे में बताना है और ग्रिड के बारे में बताना है। तो इस हिसाब से आप जाना है दोस्तों एग्जाम में अंदर एसआई जॉइंट एपीएचएलवी के बारे में लिख के आना है। तो दोस्तों ये थी हमारी एसआई जॉइंट एपीएचएलवी की वीडियो, आई होप आप तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।